वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका सिंह, आप लोग देख रहे हैं प्रियंका सिंह 555। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इसकी। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या बात करेगी। लगभग इस सर्दियों में आप लोगों ने ये अपने घर में देखा ही होगा ऑलरेडी। इसके बारे में सभी जानते हैं, नॉर्मली सबके घर में ये अवेलेबल रहती है। और सर्दी के टाइम में, फिलहाल अभी सर्दी के समय सीजन चल रही है, तो अभी के टाइम में लगभग सबके घर में ये होगा ही होगा। लेकिन इसके और भी एक्स्ट्रा यूज हैं। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, मम्मी जब हम लोग को सर्दी खांसी जुकाम होती है तो इसका यूज हम लोग करते हैं। मम्मी हमें स्टीम के टाइम में इसे यूज करते हैं। सर्दी में नाक में, गले में, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। ये नॉर्मली यूज सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके और भी एक्स्ट्रा यूज हैं जो कि शायद आप लोग को नहीं पता होगा। अगर आप लोग को पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। एक्स्ट्रा यूज सबसे ज्यादा फायदा है लेडीज के प्रेगनेंसी के बाद आने वाली स्ट्रेच मार्क्स की। हम जब महिलाएं जब एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद हमारे पेट के अगल बगल या निचले हिस्से में बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स के निशान छूट जाते हैं, जो कि देखने में बहुत भद्दे लगते हैं और थोड़ी खुद के सुंदरता को कम करता है हमारे, और कॉन्फिडेंस को भी कहीं ना कहीं कम करता है। जो अपने आप में अपने स्किन पे आए दाग धब्बे जो बहुत गहरे होते हैं या देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और वो डेली हम लोग अपने बॉडी पे निशान देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो आप तुरंत बाद आप अगर इसकी अपने पेट पर मसाज करते हैं मॉर्निंग और नाइट में, दिन में दो बार आप अगर इसे अपने फेस पेट पे अप्लाई करते हैं तो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगी, धीरे धीरे वो गायब हो जाएगी अगर आप तुरंत बाद इसे यूज करते हैं तो। अगर आपने तुरंत बाद यूज नहीं किया है या आपको नहीं पता है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या पहले से आपको नहीं पता थी, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, काफ़ी टाइम निकल चुका है, फिर भी आप इसे यूज कर सकती हैं। आपके डार्क बहुत आपके स्ट्रेच मार्क बहुत डीप है, डार्क है, तो अगर आप इसे कंटिन्यू अप्लाई करती हैं दिन में दो बार, मॉर्निंग और नाइट में भी आप कर सकती हैं आराम से। मॉर्निंग और नाइट में अगर आप इसे अप्लाई करती हैं तो आपके जो स्ट्रेच मार्क डार्क है, ये वाइट, ब्राउन, ब्लैक तीनों कलर में होती है, और वो आपके स्किन के कलर पे डिपेंड करता है या आपके स्ट्रेच के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आपके स्ट्रेच मार्क होंगे जैसे भी हैं। और तुरंत बाद अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपके जो स्ट्रेच मार्क नए नए आए हैं और बेबी डिलीवरी के बाद, अब तुरंत बाद आप कंटिन्यू, मतलब क्वांटिटी थोड़ी रहनी चाहिए ताकि वो स्ट्रेच मार्क को अच्छी तरीके से कवर करे, तो आपका जो स्ट्रेच मार्क है बहुत जल्दी कवर होगा। धीरे धीरे उसके स्ट्रेच मार्क कम से कम 3-4 महीने में तो खत्म ही हो जाने वाली है। इसकी दूसरी यूज, अगर आपके घर में बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, जैसे नवजात शिशु होते हैं ना, 1-3 मंथ के जो बच्चे होते हैं, या 1-2 साल या छोटे बच्चे हैं, उनको हम सकते हैं अगर सर्दी लग जाती है उन्हें। वो इतने नाजुक होते हैं कि नॉर्मली आप किसी भी मौसम में उनको सर्दी खांसी लगी रहती है, तो आप इसे विक्स को आप उनके स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको कोई साइड इफेक्ट भी हो सकती है स्किन पे, या कोई भी प्रॉब्लम हो, जलन भी फील हो सकती है नवजात शिशु के, तो उनके पैर के तलवे जो होते हैं वहाँ पे आप हल्के से मसाज कीजिए और पूरे तलवे पे अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर दीजिए और सॉक्स, कॉटन के सॉक्स पहना दीजिए। एक दिन में बहुत ज़्यादा आपको फर्क दिखने मिलेगा। अगर आप इसे नाइट में करती हैं तो मॉर्निंग तक उनकी जो सर्दी खांसी के जो प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जुकाम की जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी रहेगी। अगर आप ये नाइट में अपने बच्चों के तलवे पे अप्लाई करती हैं तो मॉर्निंग होते होते उनकी सर्दी खांसी छूमंतर होने वाली है। ये हमारे ब्यूटी हैक के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हमारे नॉर्मली हमारे नाक के ऊपर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, वाइट ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, तो काफ़ी गंदी दिखती है और उसे रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ये इतना अच्छा काम करता है। अगर आप वीकली, अगर आपके नाक में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है या वाइट है, दोनों में से कोई भी है, तो आप डेली नाइट में इसे अपने नाकों पे अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए और आप सो जाइए। मुझे मॉर्निंग में उठ के गुनगुने पानी से अपने नाक को क्लीन करना है और टॉवल की सहायता से अपने नाक को हल्के से दबा के आपको उसे ड्राई करना है। कंटिन्यू आप 1 वीक ये प्रोसेस करते हैं तो आपके नाक के वाइट
और ब्लैक हेड्स खत्म हो। आप सोच भी नहीं सकते हैं ये इतना बेस्ट रिजल्ट देता है। मैं जो जो टिप्स अभी बता रही हूँ वो मेरे यूज किया हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग सीमेंट के फैक्ट्री में काम करते हैं या चूने के फैक्ट्री में काम करते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि मिट्टी बालू के सीमेंट के काम करते हैं या जो बहुत ज़्यादा कटिंग के काम करते हैं, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ जाती है, हाथ कट फट जाती है, उसमें गंदगी, हाथ के जो स्किन होती है पूरी तरह से कट जाती है और उसमें गंदगी भर जाती है, हाथ रूखी भद्दी मोटी दिखने लगती है और इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाते हैं। अगर आपके ऐसी कोई प्रॉब्लम है चाहे किसी भी रीजन से, नॉर्मली हम लोग घर में भी सब्जी वगैरह कटिंग वगैरह करते हैं तो भी हमारे अंगूठे में या उंगलियों में ऐसे निशान आ जाते हैं हल्के स्क्रैच के, और उसमें गंदगी भी आपको दिखेगा, थोड़ी खुरदुरी हो जाती है और गंदे भी दिखती है। तो अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके हाथों में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप ये सब काम करते हैं, तो नाइट में अपने हैंड को अच्छी तरीके से वॉश कीजिएगा और आप इसे अपने हाथों में अच्छी तरीके से अप्लाई करके, अगर ग्लव्स तो ग्लव्स पहन के कम से कम 1 वीक तक अब अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपके हाथ सॉफ्ट स्मूथ होगी और जो क्रैक आ चुके हैं हाथ में, जो मोटे मोटे क्रैक आ जाते हैं या निशान हो जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाते हैं उस क्रैक में, वो सब आपकी नॉर्मली क्लीन होने वाली है और हाथ सॉफ्ट स्मूथ और सुंदर दिखने वाला है। इसका यूज सिर्फ सर्दी खांसी में नहीं किया जाता, अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं चाहे किसी भी रीजन से हो रहे हैं, आप इसे अपने सर में अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए और इसको खोल के इसके स्मेल को लंबी लंबी सांसों में खींचिए। आपको थोड़े देर में ही आपकी जो सर दर्द है उसमें आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। मेलाटोनिन होता है जो कि हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के दर्द को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। सर्दियों में ज़्यादातर सबके हील थोड़ा रूखी खुरदुरी क्रैक हो जाती है, किसी के तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, तो या सर्दियों में नहीं तो नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं अपने पैरों की देखभाल नहीं कर पाते हैं उनके भी हील कट फट जाती हैं। तो ऐसे अगर आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नाइट में अपने पैर को अच्छी तरीके से क्लीन करके आप इसे एक पतली सी लेयर अपने पूरे पैर पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए, हल्के हाथों से मसाज कीजिए और कॉटन के सॉक्स पहन के आप सो जाइए। मॉर्निंग में आप इसे गुनगुने पानी में पैर डाल के रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप गुनगुने पानी से अपने पैर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। इस प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत जल्दी आपके पैर की जो हील क्रैक हो चुकी है बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी और पैर आपके सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। नॉर्मली सबके घर में बच्चे होते हैं, बाहर निकलना खेलना कूदना उनको बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप घबराते हैं कि इवनिंग के टाइम में मच्छर मक्खियाँ या छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे आपको डर लगता है कि आपके बच्चे को कहीं काट ना ले या उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हो उसके पहले उनके हाथ पैर में ये अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आराम से उन्हें बाहर भेज सकते हैं, इससे मच्छर मक्खियाँ या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनके पास नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कितनों के पैर के जो नाखून होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, फंगस हो जाती हैं, वो वाइट से येलो कलर की हो जाती है, नेल डैमेज होने लगती है, या पैरों के जो उंगलियां होती हैं वहाँ पे उंगली के जो कॉर्नर होते हैं, पैर के जो उंगली के जो ये वाले हिस्से होते हैं वहाँ पे फंगस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा पानी में रहती हैं। ये इन्फेक्शन कभी किसी के साथ भी हो सकता है, पैरों में इन्फेक्शन गंदगी की वजह से भी हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं तो भी हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा सीमेंट बालू के टच में आते हैं, गंदगी के टच में, धूल मिट्टी के टच में आते हैं तो भी आपके इन्फेक्शन फंगस वगैरह हो सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी हो रही है आपके अंगूठे आपके नेल में या आपके पैर के किसी भी हिस्से में फंगस हो गई है या इन्फेक्शन हो गई है, इचिंग हो रही है या दर्द हो रहा है, तो आप नाइट के टाइम में आप इसे नाइट डे आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन नाइट टाइम में मैं इसलिए बोलती हूँ नाइट टाइम में हम लोग रिलैक्स मुद्रा में रहते हैं तो हम जो अप्लाई करते हैं वो वहाँ पे स्थिर रहता है, काम करता है और जल्दी रिकवर करता है, और बाकी दिन में हम लोग चलना फिरना कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा जो कोई भी क्रीम या कोई भी मेडिसिन हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाता है। तो अगर आपके पैर में ऐसे फंगस या इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आप नाइट में आप अपने पैर को अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए और इसे अप्लाई कीजिए, नाइट हो या डे हो आप जब अप्लाई कर रही हैं वहाँ पर याद रखिए आपके हाथ पैर अच्छी तरीके से क्लीन होनी चाहिए, उसके बाद
क्लीन करने के बाद ड्राई कीजिए, ड्राई करने के बाद आप इसे अप्लाई कीजिए। एक दो बार के यूज में ही आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, मांसपेशी, कमर, हाथ, घुटने, ज्वाइंट, अगर कहीं भी आपको पेन हो रही है और आपके पास और कुछ मेडिसिन नहीं है घर में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये है तो आप इसे अपने दर्द होने वाले एरिया में आप इसे हल्के हाथों से मसाज कीजिए और हाथों को हीट करके उसे हल्के हाथों से आप उसे सेक दीजिए। इससे आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स होगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप इसे वहाँ पे जोड़ों में अपने अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए, हो सके तो अपने हाथ को हीट करके उसे सेकिए और बैंडेज कीजिए। इससे आपके दर्द में काफ़ी रिलैक्स फील होगा और आपको आराम मिलेगा। इसमें ऐसे ऐसे मेडिसिन यूज किए गए हैं जिससे आपके आपके बदन के बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर दर्द हो रहा है और आप इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्द आपको रिलैक्स फील कराएगा। इसमें देवदार के पत्ते, नीलगिरी के तेल, कपूर और भी बहुत सारे यहाँ पे मेडिसिन ऐड किए गए हैं। आयुर्वेदिक से लेके इसमें जो भी प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं वो आपके लिए आपके दर्द के रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने करता है। तो अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पर कहीं कभी जल गए हैं तो आप उस घाव को सूखने के बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे एक निशान छूट जाता है जो कि जाता नहीं है हमारे जो किचन में हम लोग काम करते हैं, हमारे हाथ वगैरह में कहीं भी जलने तेल से, माचिस से या किसी से भी अगर हमारे हाथ पर जल जाते हैं, घाव छूटने के बाद भी, घाव सूखने के बाद भी वो दाग ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप उस जगह पे आप इसे डेली अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। आपके जो जलने के निशाने धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। कुछ लोगों के फेस पे इतने सारे पिंपल आते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। एक दो आना नॉर्मल है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के चिक पे पूरी तरीके से भर जाती है और वो जाती भी है तो काले धब्बे निशान छोड़ जाती है उनके फेस में। तो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं और पिंपल बहुत दर्दनाक होती है, बहुत दर्द भी देती है और फेस पे एक आती है तो एक चली जाती है, ये ज़्यादातर ऑयली फेस वालों के ही होते हैं। तो अगर आप अपने फेस के पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो नाइट में अपने फेस को वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए और उन पे ये अप्लाई कीजिए। आपके एक से दो दिन के यूज में आपके जो पिंपल्स जो फेस पे तरोताजा के आ रहे थे वो डल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कंटिन्यू रखिएगा तो सारे पिंपल्स आपके सूख जाएंगे और आना भी बंद हो जाएंगे। कंटिन्यू इसे अप्लाई कीजिएगा। आप पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना है, जहाँ आपके पिंपल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करना है। और अगर पिंपल के दाग धब्बे हैं वहाँ पे भी अगर आप इसे अप्लाई करती हैं, पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना है। आपके यहाँ पे जैसे कोई पिंपल है तो आपको हल्की सी टच करके आपको वहाँ पे हल्के से डिप डिप करके लगाना है और छोड़ देना है। ऐसे ही पूरी रात ऐसे ही रहने दें। सुबह हल्के गुनगुने पानी से आप उसे क्लीन कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपके पिंपल है आप वहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यू रखिएगा तो पिंपल डाउन हो जाएगा और फिर कंटिन्यू अगर रखते हैं पिंपल खत्म होने के बाद भी तो उसके दाग धब्बे से आपको छुटकारा भी ये दिलाएगा आराम। मेहंदी लगाना हम सबको पसंद है। मेहंदी लगाना किसको पसंद नहीं है, हम सारी महिलाओं, कोई से लड़की नहीं होगी या कोई से महिला नहीं होगी जिन्हें मेहंदी लगाना पसंद नहीं है। लेकिन मेहंदी लगाने के बाद एक हेडेक रहती है, पता नहीं मेहंदी रंग लाएगी कि नहीं लाएगी। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहंदी के शौकीन हैं और आपको डर लगता है कि मेहंदी रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, मेहंदी लगाइए। मेहंदी लगाने के सूखने के बाद आप मेहंदी को रब करके छुड़ाइए। उसके बाद आपको विक्स से कुछ मात्रा अपने हाथों में लेना है, विक्स के कुछ मात्रा अपने हाथों में लेना है और इसको अपने पूरे मेहंदी में अच्छी तरीके से और इस विक्स को अपने मेहंदी में अच्छी तरीके से इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करके याद रहे इसे अपने हाथों में अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद पूरी रात सो जाइए। पानी से टच नहीं करना है, हाथों को पानी से गीला नहीं करना है। मॉर्निंग में अगर आप मॉर्निंग में उठ के आप देखिएगा तो आपकी मेहंदी की रंगत दुगनी हो चुकी होगी। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूजफुल रहा हो तो फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।